Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं ब्रदर का प्रिंटर, ब्रदर का डीसीपी L2540DW मॉडल का प्रिंटर है मेरे सामने अभी। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा तो सभी प्रिंटर में काम में आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं जो आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है सब कुछ मैं दिखाऊंगा, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर आप जितने भी प्रिंटर्स है ब्रदर 25, 20D और 35, इस तरह का जितने भी मॉडल्स है सभी में यहाँ पर ये टिप्स आपको काम में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन किस तरह किया है, जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है किस तरह का प्रॉब्लम है और उसका हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर मैं जल्दी से बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। यहाँ पर ये रहा हमारा प्रिंटर, ठीक है। ये प्रिंटर अभी हमारा प्रिंटर रेडी है और यहाँ पर एक मैं विंडोज टेस्ट पेज का प्रिंटर यहाँ पर रखा हूँ। तो इसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किस तरह का प्रिंट दिखाता है आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लेटेस्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पर प्रिंटेड नहीं, प्रिंट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक प्रिंट आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह कंडीशन में किस तरह का प्रॉब्लम होता है मैं आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पर मैं फिर से इसको डालता हूँ और यहाँ पर इसका जो यूजर सेटिंग होता है उसको प्रिंट करता हूँ। स्टार्ट कर दिया और क्या दिखाता है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर इसका जो यूजर सेटिंग होता है वो यूजर सेटिंग प्रिंट करने के बाद यहाँ थोड़ी यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर प्रिंट का यहाँ पर लाइंस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉपी करूँगा फिर से, कॉपी का किस तरह का दिखाता है। कॉपी का यहाँ पर कोई भी लेटर्स नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में हम कहाँ पे यहाँ पर देखना होगा और कौन सा चीज़ में यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट में ही दोस्तों यहाँ पर हमको तो कार्टिज को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल व्हाइट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कार्टिज को देखेंगे, कार्टिज को देखने के बाद यहाँ पर क्या है, कार्टिज में इरर है और यहाँ पर ड्रम यूनिट में इरर है और हमारा ड्रम भी यहाँ पर में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टिज को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कार्टिज मूव नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का प्रिंट आया है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए कार्टिज का जो ये डेवलपिंग रोलर है इसमें एक तरफ से यहाँ पर व्हाइट कलर का लाइन लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लैक है तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर व्हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्यों होता है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से देखना होगा आपको, इस तरह से क्यों होता है कि दोस्तों यहाँ पर इस तरह से क्यों होता है कि हमारा जो ये कार्टिज मूव नहीं होता, तो मूव नहीं होने के बाद यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। थोड़ी सी मैं इसको हाथ से मूव करूँगा, ठीक है, अपना हैंड से। तो हाथ से तो अच्छी तरह से मूव हो रहा है लेकिन यहाँ डालने के बाद क्यों मूव नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका डेवलपिंग गियर होता है, डेवलपिंग गियर यहाँ पर क्या होता है कि टूट जाता है, फूट जाता है, ठीक है, यहाँ पर वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए भी ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसको मैं हल्का सा मूव कर दिया इस तरह से इसको एक बार मूव करने के बाद फिर से यहाँ पर डालूँगा और इसका डेवलपिंग गियर होता है वो हमारा कनेक्शन इसमें होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला रहता है, इसमें होता है और इसको हम यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर हमारा गियर अच्छी तरह से दिखाई कि नहीं दिखाई, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
लेकिन दिखाई देने के बाद यहाँ पर ठीक है गियर ठीक लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छी तरह से कार्डेज नहीं लगने के बाद भी होता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर फिलहाल सब कुछ ठीक था। ये यहाँ से घुमाता है, यहाँ से मूव करता है हमारा ये डेवलपिंग गियर, तो इसको मैं एक बार फिर से डाल देता हूँ क्या दिखाता है। लगा दिए और आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ठीक है और स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए जैसे अच्छी तरह का पिन यहाँ पर मिल चुका है हमको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सा प्रॉब्लम नहीं था। और जब यहाँ पर गियर टूट जाता है तो यहाँ पर गियर को रिप्लेस करना ही पड़ेगा जो डेवलपिंग गियर होता है, तो इस कंडीशन में। और अब देखेंगे यहाँ पर पिन आ चुका है और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर कोई लाइन्स नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर जब पिन नहीं निकलेगा तो यहाँ पर जब ये मूव नहीं होगा तो यहाँ पर लाइन्स लग जाएगा यहाँ पर पेपर का ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस तरह से सब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा इस तरह से सब कुछ चेक करने के बाद भी यहाँ पर ठीक नहीं है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, तो हमको ये वाला साइड को ओपन करना होगा और यहाँ पर जो गियर का बॉक्स होता है गियर बॉक्स को निकालना होगा। निकालने के बाद वहाँ पर जो स्प्रिंग एक लगा होता है डेवलपिंग गियर में, उस गियर को निकाल कर हम रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सीप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो एक बार यहाँ पर यूजर सेटिंग भी इसको प्रिंट कर देता हूँ स्टार्ट, यूजर सेटिंग प्रिंट करता हूँ किस तरह का निकलता है। फिर से यहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर दिखा दिया, फिर से यहाँ पर हमारा जो गाड़ी से वो अच्छी तरह से वहाँ पर नहीं मिलने के बाद यहाँ पर इस तरह का बना ये देखिए ठीक है। तो फिर से मैंने उसको निकाल कर एक बार डाल दिए और फिर से टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए फिर से इस तरह का है यहाँ पर, अभी तक यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं मिला। और एक बार और ट्राई करता हूँ, यहाँ पर पेपर खत्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर आगे से डालता हूँ पेपर, ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, अच्छे तरह का प्रिंट निकल चुका है ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम था उसको हम सॉल्व कर दिया। इसका प्रॉब्लम था कि दोस्तों यहाँ पर जो गियर है वो अच्छी तरह से नहीं लग रहा था और इसका कार्डेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखाया दिया था ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जितने भी व्यूअर्स है सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं।